अहम् भवताम् संस्कृत आचार्य षष्ठ कक्षायाः षष्ठ पाठस्य समुद्र तटः इति पाठस्य अनुवादं करिष्यामि। अत्र पश्यतु सर्वे छात्राः समुद्र तटः स्पष्टम्। अत्र समुद्र तटः एषः समुद्र तटः एषः शब्दस्य अर्थः यः यः समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति इस समुद्र तट में लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति कुछ लोग लहरों के साथ खेलते हैं। अत्र पश्यतु कुछ लोग लहरों के साथ खेल रहे हैं स्पष्टम्। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति बालिकाएं और बालक बालुका भी रेतों से बालुका भी शब्दस्य अर्थः रेतों से बालुका गृहं रचयन्ति रेतों का घर बना रहे हैं। ये देखिए कुछ बालक हैं कुछ बालिकाएं हैं यहाँ पे रेतों का घर बना रही हैं स्पष्टम्। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहं प्रभायन्ति और बीच बीच में क्या हो रहा है जो तरंगे हैं जो रेतों का घर है उसको बहा कर ले जा रही हैं पानी के प्रभाव में ले जा रही हैं बहा कर ले जा रही हैं ठीक है। जैसे ये घर बना हुआ है और ये समुद्र की जो लहरें हैं यहाँ पे आ रही हैं और इन रेतों के जो घर बनाया हुआ है बच्चों ने बहा करके ले जा रही हैं ठीक है। ऐसा क्रिया प्रचलती एव और यह जो प्रक्रिया है बार बार चलती ही रहती है ठीक है। समुद्र तट न केवलम पर्यटन स्थानानि समुद्र तट न केवल क्या है पर्यटन स्थल है समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थल है। अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविका चालयन्ति यहाँ पर जो मछुआरे हैं मत्स्य जीविनः का मतलब क्या हुआ जो मछुआरे हैं वो क्या कर रहे हैं अपनी स्वजीविका अपनी आजीविका को चलाते हैं। ये देखिए ये जो मछुआरे हैं ठीक है जाल फेंक कर मछलियां निकालते हैं और अपनी आजीविका को चलाते हैं। धन्यवाद।